नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों ये वैकेंसी निकली हुई है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर के अंतर्गत। इसमें मेल फीमेल और दिव्यांगजनों के लिए वैकेंसी है। ये वैकेंसी आप देख सकते हैं, इसके लिए डेट ऑफ कंसर्न जो रखी गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई हैं जो कि 5 अक्टूबर 2023 से मांगी गई हैं और 31 अक्टूबर 2023 तक भरे जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि 143 पोस्टों के लिए हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए पोस्ट काफ़ी अच्छी हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। पे लेवल 4th रहेगा। एज पर पे मैट्रिक्स 19,500 से 62,000 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। दोस्तों इसके लिए आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 72 पद हैं जिसमें 21 पद वुमेन के लिए और 4 पद दिव्यांगजनों के लिए रखे गए हैं। दोस्तों एससी के लिए 23 पद हैं जिसमें से 6 पद वुमेन के लिए और 1 दिव्यांग के लिए हैं। एसटी के 28 पद हैं जिसमें 8 वुमेन के लिए हैं, 1 दिव्यांग के लिए हैं। ओबीसी के 20 पद हैं जिसमें 6 वुमेन के लिए हैं, 1 दिव्यांग के लिए हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मस्ट हैव बी ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ ही 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स का, फ्रॉम ITI कर रखी हो या किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा हो। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको बिलिंग कैंडिडेट जो भी रहेंगे वो अप्लाई करना है highcourt.cg.gov.in पर जाना है। अप्लाई करने के लिए आप 5 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ओनली 1 एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड, एक ही एप्लीकेशन आपको देनी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं। दोस्तों जो पोस्टें हैं उन पर SC ST OBC सब के लिए रिजर्व कोटा दिया गया है, वो अब जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट के अनुसार रहेगा, जिसमें 40% जो दिव्यांगजन हैं उन्होंने जो डिसेबिलिटी है इसमें क्लियर दिया गया है। द कैंडिडेट हु आर फिजिकली डिसेबल्ड विद लेस देन 40% शैल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर फिजिकल डिसेबल्ड, यानी जिनकी 40% से कम डिसेबिलिटी है वो इसके अंतर्गत नहीं माने जाएंगे, वो नॉर्मल कैटेगरी में ही माने जाएंगे। साथ ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही हीज अटेंड मिनिमम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए एंड नॉट एग्जीट मैक्सिमम 30 ईयर। इन केस ऑफ जो रेजिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के हैं उनके लिए 40 साल तक चल जाएगा जो कि 1/1/2023 से काउंट किया जाएगा। साथ ही इसके अंतर्गत आप ये देख सकते हैं एज लिमिट की छूट दी गई है एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। अब आपको जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन फॉर्म भरना है। साथ में कुछ जैसे हर वैकेंसी में एक नियम होते हैं, जैसे कि ही हैज़ नॉट मोर देन 1 सपोज लिविंग, एक फैमिली से ज़्यादा यानी एक पत्नी से ज़्यादा फैमिली नहीं होनी चाहिए, और ही हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्व, जैसे कोई और ऑफेंस के अंदर में ये नहीं, मतलब उनके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। आप अपनी रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी सर्विंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ की NOC देनी होगी और NOC देकर के आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड इन द वेबसाइट। अगर आप उसके लिए जो दिया गया है, अगर आपका कोई क्वालिफिकेशन है तभी आप इसके लिए अप्लाई करें, अन्यथा अप्लाई न करें, क्योंकि आपको डिसक्वालीफाई भी किया जाता है अगर आप जो मानदंड रखे गए हैं वो उन पर खड़े नहीं उतरते हैं तो। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए कोई TA DA आपको नहीं दिया जाएगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 फेज में होगा। फर्स्ट पेज में रिटन टेस्ट होगा और सेकंड फेज में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। फर्स्ट पेज में रिटन टेस्ट जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन और 50 मार्क के होंगे। उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें मेकिंग ऑफ स्मॉल सेंटेंसेज, स्पेलिंग, वोकैबुलरी, ETC आएगा,
नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन आपको आना चाहिए। देयर शैल बी नो मिनिमम और माइनस मार्क, इसके लिए कोई जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी कंप्यूटर के लिए। इन ऑन द बेसिक और मार्क जो रहेंगे वो आपको दिए जाएंगे। जो रिटन एग्जाम पास कर लेंगे उन कैंडिडेट को फेज टू के लिए स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसका 1:10 इच का रेशियो रहेगा, यानी एक वैकेंसी पर 10 बंदों को बुलाया जाएगा। दोस्तों स्किल जो टेस्ट होना है उस पर कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी, जो 250 वर्ड टाइपिंग करने होंगे आपको 10 मिनट के अंदर, 50 मार्क का पेपर होगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में इंग्लिश में 300 वर्ड टाइप करने होंगे 10 मिनट के अंदर में, 50 मार्क का होगा। टाइपिंग स्पीड जो रहेगी उबंटू लिनक्स लिब्रे ऑफिस यूनिकोड फॉन्ट के अंदर होगी, जो कि 1.2 मार्क का होगा। लिब्रे ऑफिस से समझ सकते हैं विंडो जो रहेगी वो आपकी बॉस रहेगा, यानी लिनक्स पीसी रहेगा। टू क्वालिफाई जो रहेंगे उनको 20 मार्क दिए जाएंगे ईच टाइपिंग टेस्ट के, जो कि 50 में से रहेंगे। मिनिमम आपको लाने हैं, इतने लाने हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप मार्क अच्छे लाएँ ताकि आपके मेरिट में नाम आ सके। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद और फेज टू भी कंडक्ट होने के बाद आपको अगर आप मेरिट में नाम आता है तभी आपको जॉइनिंग दी जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो कैंडिडेट को जो रहेंगे जो कि इस नोटिफिकेशन में चीज़ें दी गई हैं वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। फिर भी आप हो सके तो जो नोटिफिकेशन है इसको दोबारा देखिए या वीडियो दोबारा देखिए, तब अपना फॉर्म अप्लाई करें। जो भी चीज़ उसमें डालें सही डालें और उसी के आधार पर अपनी तैयारी करें। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी से संबंधित मुख्य जानकारी, ऐसी ही वैकेंसी की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। दोस्तों आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।